हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज मॉर्निंग का मौसम, देखिए 7:30 का टाइम है और मैं छत पे आई हूँ। देखिए मेरा बेटा भी था तो वो पौधों में पानी डाल रहा था। मैंने कहा चलो तुम पानी डालो, कह रहा था मैं डालता हूँ पानी। मैं ठीक है, देखिए मेरे पौधों की हालत देखो, काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं डाल पा रही क्योंकि पौधे बहुत बुरी हालत में हैं हमारे। बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, बारिश हो नहीं रही है। पानी मैं डेली का डेली अर्ली मॉर्निंग डालती हूँ, उसके बावजूद पत्ते बहुत झुलस गए हैं। आप ये सोचो कि नेट भी लगा रखा है जो सॉफ्ट है, उनमें भी यही हालत हो रही है, बहुत बेकार। ये देखिए आगे का मेरा, ये आगे का गार्डन है, फ्रंट का वेजिटेबल गार्डन तो पीछे है। और देखिए चंपा की हालत, ये देखिए हिबिकस की हालत, देखिए फाइकस की हालत, देखिए पत्ते कैसे झुलस गए हैं। देखिए फाइकस मतलब बुरी तरह से पत्ते झुलसे हैं, पौधा तो अभी है लेकिन पत्ते ना गर्माहट से पूरे झुलस गए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए कैसे हो गए हैं पत्ते पूरे। इस बार ना गर्मी बहुत भयंकर पड़ी है, मतलब इतना बुरा लग रहा है ना कि मेरे कितने पौधे मेरे परमानेंट वाले मरे हैं और कितने पौधों के पत्ते अच्छी तरह से जल गए। और अभी भी कोई भरोसा नहीं है, रोज़ बारिश का इंतज़ार करते हैं कि बारिश होगी। अब ये देखिए मेरे हिबिकस का ऊपर पूरे पत्ते भी ख़त्म हो गए। यहाँ तो भी पौधे में जान नहीं है, बट ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखाती हूँ ये अभी ग्रीन है, इसका मतलब एक बारिश बारिश पड़ने जब शुरू हो जाएगी तो पौधा ये मरा नहीं है अभी पूरी तरीके से, तो इसलिए मैंने इसको भी रखा हुआ है। और ये पौधा देखिए मैं इसको भी देख रही हूँ, ये पौधा मुझे लगता मर गया क्योंकि नीचे से ही पूरा हरा हरा दिख ही नहीं रहा उसमें। बेटा मेरा कभी इधर को घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है। मैंने कहा भैया तरीके से पानी डालो क्योंकि पौधे पाइप ही ना वो हो जाए टूट जाए। उसको बता रही थी कहाँ कहाँ डाला क्योंकि वेजिटेबल गार्डन में मैंने डाल दिया था। वेजिटेबल गार्डन में भी मेरा कुछ नहीं है। देखिए एक और हिबिकस है, इसमें अभी अभी पत्ते हैं बहुत छोटे छोटे से हैं। और ये हिबिकस का तो मेरा मर ही गया, देखिए बिल्कुल भी जान नहीं है इसमें। आपको पता है इस पॉचुला भी अभी तक फूल देना शुरू नहीं किया, पॉचुला ने ना प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो पाई है, जबकि काफ़ी दिन हो गए हैं। और जून के महीने में मई से पॉचुला फूल देने लग जाता है। ये देखिए मेरे मनी प्लांट ऊपर नेट लगाया, देखिए पत्ते पूरे झुलस गए। ये धूप नहीं आती है लेकिन जो गर्मी गर्माहट है ना उसकी वजह से पत्ते पूरे झुलस गए। देखिए पूरे मेरे मनी प्लांट की सबसे बेकार हालत हो चुकी है। पीछे वेजिटेबल गार्डन में तो सुनसानी है क्योंकि जो भी लगाया है सब झुलस गए, तो मैंने अब सब छोड़ दिया है, मैंने कुछ नहीं लगाया है। और बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ, यदि बारिश अभी हो जाती है 30 जून तक तो फिर मैं कुछ बीज डाल दूँगी सीताफल और घिया के, बाकी तो मैं कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि अब फ़ायदा नहीं है। सितम्बर में फिर सर्दियों के सब्जियों के बीज डलने शुरू हो जाएंगे, तो मैं अब गर्मियों का तो मुझे होप नहीं है कि अब सब्जियाँ मुझे मिलेगी गर्मियों में, तो मैं अब छोड़ दूँगी। बाकी बस यही है कि सर बारिश हो, बहुत अच्छी बारिश हो, 3-4 दिन लगातार बारिश हो, पौधों में मेरी जान आ जाए। देखिए पूरा बादल सा लगा है, कल बारिश की बूंदाबांदी हुई थी, आज भी मैं सोच रही हूँ कि बारिश हो जाएगी लेकिन अभी बादल लगा हुआ है। अभी देखो 8-9 बजे तक क्या पोजिशन बनती है कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स आज मैं मतलब आज मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा एक वीडियो डाल लूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में अभी मज़ा नहीं आता है क्योंकि पौधों की हालत बहुत बुरी हो रखी है। इसलिए मैं अपने गार्डन में सिर्फ पानी डालती हूँ और फिर चली जाती हूँ। दिन भर तो ऊपर गार्डन जा टेरेस गार्डन जा ही नहीं पाते, इवन बालकोनी गार्डन का भी यही हाल हो गया है। बस इतना छोटा सा वीडियो देना था फ्रेंड्स।